गाड़ी धुलवा कर अभी घर पहुंचा हूं। होट मेरे आप देख ले बिल्कुल खुश्क पड़े हैं, पसीना पसीना हो पड़ा मैं। मेरे को आई गाड़ी हूं दाई में ग्रिल का मसला है, मैं डैशबोर्ड खोल रहा हूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल नफीस। में कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज 29 माह रमज़ान है और हो सकता है कि सुबह ईद हो और हो सकता है कि सुबह 30वां रोज़ा हो, कुछ कह नहीं सकते। तो अभी क्योंकि सुबह हमने ये बनाया हुआ है कि सुबह ईद है, तो उससे पहले कुछ काम वगैरह थे, काम वगैरह हम करवाने आए हुए। गाड़ी की कुछ रिपेयरिंग थी वो करवानी है, गाड़ी की सर्विस का सोच रहा हूँ मैं, और इसके अलावा बाइक्स की सर्विस का सोच रहा हूँ। अभी मैं जिस काम के लिए आया हूँ, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मरगला आई खड़ी हूँ दाई में ग्रिल का मसला, मैं डैशबोर्ड खोल रहा हूँ। और अभी दोबारा मैं वापस आ गया हूँ बैक सीट पे, गाड़ी का फ्रंट क्योंकि खुला हुआ है, मैं बैक पर बैठ गया हूँ। और यहाँ से गाड़ी का काम वगैरह करवा रहे हैं अब्बू जो है। अब्बू को मैंने तो पीछे आपको जो की एस फुटेज अगर नज़र आ रही है तो वो सामने हमारा ऑफिस है। जैसे अब्बू को मैंने ऑफिस छोड़ा है, अब्बू कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस के, मैं यहाँ पर कुछ ये वाले काम करवा रहा हूँ अपने। पिछले दिनों भी गाड़ी का थोड़ा बहुत मैंने काम करवाया था, जिसमें इसके स्पीकर वगैरह नए डलवाए थे, तो शायद वो क्लिप भी मैंने बनाया था, तो वो भी मैं इसी में ऐड कर दूँगा क्योंकि मैंने पहले ऐड करना था। तो जो गाड़ी वाला काम है वो मैं इसी में ऐड कर दूँगा। अभी बैठ मैकेनिक साहब जो है वो सामान लेने के लिए गए, जैसे वो सामान लाते हैं तो फिर गाड़ी को सेट कराते हैं। सूट वगैरह जो है वो मेरे वो हम सब के वो रात सिल कर आ चुके हैं, और उसके अलावा जो हमारे जूते हैं वो भी हमने ले लिए हैं। और अभी बस बकाया काम हमारा कुछ नहीं बचा, ना ही कोई ऐसी कोई छोटी मोटी कोई चीज़ है। अम्मी के भी कपड़े वगैरह जो थे वो सब ये तो हो गया ओके। तो अभी टेंशन था मैं थोड़ी बहुत इस चीज़ का कि आया सुबह ईद बन रही है कि नहीं बन रही, कि कुछ ऐसे काम हैं जो छोटे मोटे घर के, अब वो मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी कर लूँ। डैशबोर्ड हमारी गाड़ी का खुल चुका है, ये देखें डैशबोर्ड हमारा क्यों खुला है मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे गाड़ी के जो एसी था उसका थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था पंखे का, तो इस वजह से एसी ग्रिल खुला हुआ है। ये सामने हमारा ऑफिस देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं गाड़ी की जो फ्रंट लाइटें हैं उनके अंदर एक कटआउट होता है वो लगवा रहा हूँ, उससे गाड़ी की जो रोशनी है वो थोड़ी तेज़ हो जाती है और दूर तक गाड़ी की रोशनी पड़ती है। और उसके बाद जो है एसी वेंडर थे वो एक दो टूटे हुए थे, वो मैं सेट करवा रहा हूँ। यहाँ बाहर आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी का फ्रंट वो है वो डैशबोर्ड वो सारा खुला हुआ है, और जो भाई है वो यहाँ पे उसकी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। ये गाड़ी का कुछ अंदर से सूरत हाल है, और डैशबोर्ड उखड़ने के बाद देखें कैसे तारे वगैरह सामान वगैरह सारा बिखरा पड़ा है। और यहाँ पर जो हमने अपनी गाड़ी को रिपेयर कराया, गाड़ी हमारी रिपेयर हो चुकी है और डैशबोर्ड हमारा वापसी लग रहा है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कब तक काम ख़त्म होगा, क्योंकि मेरा रोज़ा लग रहा था और तबीयत ख़राब थी मेरी, और बिल आखिर 2:28 पर या 2:30 बजे के आप कह लें कि 2:30 बजे के करीब जाके थोड़ा बहुत काम नज़दीक होता है। सामने मीटर खुला हुआ है, मीटर के अंदर एक लाइट लगनी थी, इस वजह से मीटर को अपने बाहर रखा है, वो लाइट लगेगी। और अभी भी जो है यहाँ पर वो भाई जो है वो एसी वेंडर को सेट कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा था हॉट एंड कूल वाला, तो जब वो सेट हुआ उसके बाद मैं गाड़ी को ले आया सर्विस स्टेशन पर। यहाँ पर जो है मैंने गाड़ी की सर्विस करवाई, गाड़ी की हालत काफ़ी खस्ता हाल थी, ऊपर से ईद भी थी, तो सोचा क्यों ना गाड़ी की हालत कर सेट कर ली जाए। तो यहाँ पर जो है वो भाई वो गाड़ी को धो रहे हैं अच्छे तरीके से, ऊपर नीचे से गाड़ी की सर्विस करवाई है। और सर्विस के बाद क्या गाड़ी की शाइनिंग थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, गाड़ी चमक दमक रही थी। गाड़ी धुलवा कर अभी घर पहुँचा हूँ, होट मेरे आप देख लें बिल्कुल खुश्क पड़े हैं, पसीना पसीना हो पड़ा हूँ मैं, सूट मेरे मैला हुआ पड़ा है, और हालत मेरी आप देख लें कितनी रफ है। घर पहुँचते जैसे गाड़ी ऊपर चलाने लगा हूँ, एक तो गाड़ी फौरन बंद हो गई, स्टार्ट करके देखा तो उसकी बैटरी शट डाउन हो गई, ज़्यादा कर रही थी आवाज़ उसकी। फिर वो जो दोस्त हैं तो उनसे मैंने पता किया कि मैं कहा भाई ये ऐसे ऐसे गाड़ी कर रही क्या मसला है, उसने कहा यार गाड़ी में अंदर पानी मरवाया इंजन में, मैंने कहा जी मरवाया, कह रहा कटआउट में पानी चला गया होगा तो आप ज़रा रुक जाओ, ये कटआउट वही है जो मैं आज लगवा कर आ रहा हूँ नए वाला 1400 रुपये। कहा भी था मैंने उस बंदे को, मैंने कहा पानी ना जाना चाहिए इसके अंदर, लेकिन पानी चला गया। खैर अभी गाड़ी को बाहर धूप में खड़ाया हुआ है, देखते हैं। मैं अभी अंदर कमरे में आके बिल्कुल ऐसे बैठ गया, ये हमारा कमरा अभी इसका सेटअप करना है, इसका सोफ़ा इसका सॉरी जो बेड और सोफ़े हैं वो बनने के लिए गए हुए हैं। मैं ऐसे ही आपको बताऊँ कि ऐसे ही आके मैं नीचे बैठ गया हूँ और मैं बिल्कुल थका पड़ा हूँ, मुझे VIP रोज़ा लगा हुआ है, उसे बोला बिल्कुल नहीं जा रहा, और अभी अभी देखते हैं गाड़ी कितनी देर में स्टार्ट होती है। नाई के पास भी मैंने जाना है, थोड़ी बहुत बॉलन सेटिंग वगैरह करानी है। अभी एक सैलून पर मैं जाता था पहले, एक दो बार गया वहाँ पर, तो उनकी मुझे वो सर्विस अच्छी लगी है, वहाँ पर अभी गया था मैं, लेकिन वहाँ पर जो आवाम का रश है मैं आपको बताऊँ, लोग गाड़ियों में खड़े हैं लाइनें लगा के और बाहर गाड़ियों में वेट कर रहे हैं कि कब सीट खाली हो और हमारी जगह बने। तो हमने कहा कि भाई यहाँ तो हमारा नंबर बन नहीं सकता, तो कहीं और ट्राई करके देखते हैं, अगर कहीं और ट्राई हमारा हो गया नंबर बन गया।
अच्छा जी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम गाड़ी की फ्रंट लाइटें हैं और कुछ गाड़ी के स्पीकर थे वो अपग्रेड करवा रहे थे, क्योंकि पहले लाइटें थोड़ी डिम थी और स्पीकर जो था पहले वाले का सही म्यूज़िक और बेस नहीं थी, क्योंकि गाड़ी में स्पीकर ना हो ये हो नहीं सकता, तो इस वजह से हम आए हैं खिजरी डेकोरेशन लोधरा पे। रेट तो इनके खैर बड़े हैवी होते हैं, लेकिन क्या करें, करवाना होता है काम। तो उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग चले गए थे छोटे चौधरी साहब सफियान नफीस साहब की दवाई लेने के लिए, क्योंकि इन्हें बुखार था काफ़ी दिनों से, तो आप इनकी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें बुखार है। मेरी रफ हालत है, मेरी कंडीशन को आप इतने ज़्यादा गौर नहीं करना, क्योंकि मैं ऐसे ही बगैर तैयारी के गया हुआ था। तो यहाँ से फिर हमने सफियान की दवाई ली, सफियान की दवाई लेके हम घर चले गए। रास्ते में हमारी गाड़ी फिर बंद हो गई थी क्योंकि कटआउट का मसला था। फिर इन शाम को हमने बुलाया था, उसने आया था गाड़ी को ओके करके दे दिया था। गाड़ियों के करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, नहा धोने के बाद मैं चला गया था घर। घर से मुझे कॉल आई दोस्तों के, भाईजान गाड़ी लिए और आपने को मिठाई शाही नहीं खिलाई। महंगा मैं हाजिर। फिर सब दोस्तों के साथ जो है, वारिस मुदसर, उसामा, हमजा, माही और चेयरमैन, इन सब के साथ मैं पहुंच गया वहीं अपनी रवायती जगह पर, माजिद की होटल पर। वहाँ पर जो है, वहाँ हम लोगों ने पराठे शराठे खाए। यहाँ पर वारिस की आप हरकतों को नोट करें, इसे बिल्कुल तमीज नहीं। ये उसामा, उधर माही और साथ में जैसे चेयरमैन और हमजा बैठे हैं दोनों। मैंने कहा आप भी मेरे ब्लॉग का हिस्सा बन जाए। तो उस टाइम पे एक मिनी ब्लॉग था, ये इरादा नहीं था कि ऐड करूँगा, लेकिन खैर ऐड कर दिया। तो आगे आगे उनकी गाड़ी जा रही है, मैं अपनी मोटर पर आ रहा हूँ। ये हम लोग पहुँच चुके हैं और हम लोगों ने पराठे वगैरह ऑर्डर किए थे। उसामा हमजा माई का फर्स्ट टाइम था माजिद के होटल पर और इन लोगों को भी बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट लगा। हमें तो खैर टेस्ट लगते हैं क्योंकि हम यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं। और यहाँ पर जो है वारिस भाई बैठे हैं। वारिस भाई, अच्छा जी, हमने तो ऑर्डर किए थे 3 आलू वाले पराठे और 4 चिकन वाले, क्योंकि मुझे इनके आलू वाले और पराठे और चिकन वाले पराठे बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। अंडे वाला जो इनका पराठा है वो मुझे ज़रा नॉर्मल लगता है, क्योंकि वो जो मेरे बाकी दोस्त मेट हैं, दोस्त हैं, उन सबको जो है वो अच्छा नहीं लगता आलू वाला, तो इस वजह से ये जो है ये हमारा बेस्ट रहता है। उसके बाद ये जी, अगले दिन सुबह हम लोग पहुंच चुके हैं साबिक वफाकी वज़ीर बराए मादनियात मिर्ज़ा मोहम्मद नासिर बेग साहब के डेरा पर। वहाँ पर उनसे मुलाकात करनी थी, तो अब्बू के साथ ही उनके दोस्त हैं प्रोफेसर वहीद अहमद कमाल साहब, जो कि आयशा गुल अली के पर्सनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो वहाँ मिर्ज़ा नासिर बेग साहब से काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हुई, तो खूब गपशप वगैरह हुई उनके साथ और जो काम का सिलसिला था वो डिस्कशन हुई उनके साथ। ओके जी, इस व्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान। बाय बाय। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, वीडियो को लाइक लाजमी करना। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।